आज हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए, जैसे कल अपन ने संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए जो जो चीज़ें काम में ली थी, वही चीज़ें हमको सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए लेनी होगी। ठीक है, पहले पद परिचय के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के पद परिचय के लिए भी अपन को उपभेद, ठीक है, जैसे सर्वनाम और सर्वनाम का जो भेद है वो बताना होगा। तो उपभेद, उसका लिंग, वचन, क्रिया से संबंध, और काल, ये पांच जो बिंदु है ये हमें बताने होंगे, तब जाकर के हमारा जो है पद परिचय पूरा होगा। तो विकारी शब्दों का जो पद परिचय होता है, विकारी पद का जो पद परिचय है, उस पद परिचय में ये पांचों चीजें बतानी अनिवार्य होती है। नियम तो ये कहता है कि कम से कम तीन चीजें बताएं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सभी को ये पांचों चीजें बतानी आवश्यक रूप है। आइए, तो अब अपन पद परिचय के लिए जो है सबसे पहले सर्वनाम को समझे कि सर्वनाम क्या होता है। आप सभी ने पहले से ही पढ़ा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे अपन ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा क्या है, तो हम बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के जो नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि किसी का भी नाम, जो भी नाम है वो नाम संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा है। तो जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम को यूं समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ले कि किसी का नाम है जैसे राम, तो राम की जगह अपन राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, राम की जगह वह, तुम, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। पुरुष जो है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष,
ठीक है, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन, मध्यम पुरुष कौन और उत्तम पुरुष कौन? तो यूं मान लीजिए कि किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो उसमें तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वक्ता है वो है उत्तम पुरुष, मतलब बात को कहने वाला। मध्यम पुरुष जो है वो है श्रोता, बात को सुनने वाला। और प्रथम पुरुष जो है वो है अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अन्य पुरुष कौन, अन्य में जैसे वह, श्रोता कौन हो गया तुम, वक्ता कौन हो गया मैं, हम इत्यादि, वह, वे दोनों, वे सब, ये अन्य पुरुष, तुम दोनों, तुम सब, ये हो गए मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष मैं, हम इत्यादि, हम दोनों, हम सब, ये सब उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आगे चलते हैं नंबर दो। दूसरे नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो है दूसरे नंबर पर है आपके निजवाचक सर्वनाम। नंबर दो पे है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब सीधा सा संबंध समझिए, निज मतलब अपना, स्वयं के बारे में। तो स्वयं के लिए जो प्रयुक्त तो शब्द होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। स्वयं के लिए कौन कौन से शब्द जो हैं, जैसे अपना, ठीक है, अपनी, खुद इत्यादि, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का बोध होगा, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चित व्यक्ति वस्तु जैसे उदाहरण के तौर पे यह, इस, वही, यही, इत्यादि। ठीक है, इससे क्या है कि निश्चितता हो जाती है कि इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं। चौथा जो है वो है
अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक का बिल्कुल विपरीत है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु इत्यादि नहीं होंगे, किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु आदि का बोध होगा। उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कोई, कुछ, ये सब अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब अगला जो है वो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। एकदम सरल है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संबंध व्यक्त होता है। लिखिए, पांचवा है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो है इसके अंदर कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच का संबंध होगा, किन्हीं दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य संबंध को सूचित करने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संबंधवाचक कैसे, जो जिन्हें जिसने आदि, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब छठा जो है ये है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है हम हमारे जीवन में कई बार करते हैं, ये कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में और संस्कृत में इन्हें ककार शब्द भी कहते हैं। ककार शब्द यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन, किस, ये सब जो है
ककार शब्द यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम पद का परिचय कैसे दिया जाता है। जैसे मैं, यह, कार चलाता हूँ, ये कोई वाक्य है, ठीक है। अब इसमें मान लो मैं के नीचे या यह के नीचे अंडरलाइन आ गई, प्रश्न आएगा कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो अभी यहाँ पर मैंने दो शब्दों के नीचे, दो पदों के नीचे रेखांकित किया है, तो यहाँ पर अपन को एक तो मैं का पद परिचय देना है और दूसरा है यह, इन दोनों का पद परिचय देना है। तो पद परिचय के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में कि सबसे पहले हमें उपभेद बताना होगा। उपभेद मतलब पहले इसकी पहचान करो कि ये विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो हमने देखा कि ये बार बार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, इसलिए विकारी शब्द हो गया। अब विकारी शब्द में ये संज्ञा है या सर्वनाम है, तो अपन ने देखा तो किसी का नाम तो नहीं है, तो मतलब संज्ञा तो नहीं है, तो नाम की जगह प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब सर्वनाम पक्का है। अब ये सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। अब मैं जो है, आपको मैंने बताया कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष में कहलाता है, तो इसका मतलब ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन को उपभेद में लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमें इसका लिंग बताना है कि मैं जो है, वाक्य के आधार पर देखो कि ये कौन सा लिंग है, तो यह है पुल्लिंग। वचन कौन सा है, चलाता हूँ, मैं जो है एक वचन है, एक वचन। अब कारक कौन सा है, यानी कि क्रिया के साथ संबंध क्या है, तो चलाना क्रिया का ये जो मैं है वो करता है। और काल जो है वो वर्तमानी है, और इस प्रकार से एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पांच पहचान अपन ने इसकी बताई है, ठीक है। ऐसे यह शब्द का भी हमें जो है पद परिचय देना है। तो यह जो है तो सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम कौन सा, अपने छह प्रकार के सर्वनाम पढ़े हैं, छह प्रकार के सर्वनाम में यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उपभेद में अपन को निश्चयवाचक सर्वनाम लिखना है, ठीक है। अब आगे अपन को इसका लिंग बताना है। तो यह है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कार के लिए। कार जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हो गया इसका। फिर यह एक चीज के लिए कहा गया है, तो एक वचन। अब यहां पर कार क्या है, कार वैसे कर्म है, लेकिन यह जो है ये क्या काम कर रहा है, यह इशारा कर रहा है, संबंध बता रहा है कार के बीच में और मैं के बीच में। तो यहां पर ये हो गया संबंध कारक। और काल वही है, वर्तमान काल। तो इस प्रकार से ये पहचान बतानी होगी। तो कुल मिलाकर के हमारा पद परिचय जो है अब जाकर पूर्ण हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।